हवा हवा ये मैंने अपन ये वीडियो बनाना मैं भूल गया, यानी सब जो आगे से तकरीबन 5-6 मिनट में चलते हुए इतनी पब्लिक आ रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। और सवाल ये पैदा होता है कि पब्लिक कहाँ से आ रही है? ये सारे लोग पोलो ग्राउंड से आ रहे हैं, पोलो का खेल देख के, पोलो देख के आ रहे हैं सारे। तो काफ़ी आगे से मोबाइल मेरे पास जेब के अंदर थे, इसलिए वीडियो नहीं बनाया। हज़ारों पब्लिक और धड़ाधड़ आ रहे हैं, बाइक वालों से लेके उस तरफ जो पैदावार, इस तरफ सब पोलो। ये पोलो ग्राउंड हमारा जो शाही पोलो ग्राउंड है, तो यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर कोई तफरका नहीं है, कोई किसी से किसी किस्म की अनात बिल्कुल नहीं है। सब भाई भाई एक दूसरे के गले में हाथ डालकर पोलो देखते हैं। अब आगे देखें, आगे भी लोग आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमारा जो कल्चर है इस पे ज़ोर देने की ज़रूरत है। हमें जो संभाला है, सपोर्ट दिया है, हमारे कल्चर ने दिया है। तो लिहाजा वो आगे देखें जो लोग जा रहे हैं, ये सब, ये देखें, ये सब जो आ रहे हैं पोलो देख के आ रहे हैं। देखते जाइए हम, हाँ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये देखें वो आगे भी आ रहे हैं। यानी 10 मिनट में चल रहा हूँ आराम आराम से, और ये इनका काफिला जो है ख़त्म नहीं हो रहा है पोलो का। वो देखें सब लोग पोलो देख के खुश होकर फ्रेश होकर आ रहे हैं सारे लोग। तो यकीनन किसी भी कौम का जो कल्चर है उनका बड़ा असासा होता है, कल्चर कौमों का बहुत बड़ा असासा होता है। तो जब हम पोलो देखने जाते हैं तो इतना प्यार मोहब्बत आपस में देखा जाता है। कोई कहाँ सा है, मशरिक सा है, मगरिब सा है, किसी भी ज़िले का आदमी हो, कहीं का भी हो, और सब भाइयों की तरह एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बाकायदगी के साथ ये लोग पोलो देखते हैं। देखें यहाँ रास्ते में जगह ही नहीं है, बारिश भी हो रहा है, मौसम भी बड़ा खूबसूरत है। तो उसी के साथ एंड करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।